26-1 का अनुपात है, अब और क्या लोगे, सब ठीक हो गया मामला। कौशल जी सबसे पहले आपके द्वारा उठाते रहे हैं, इसमें आपका टीवी 9 उत्तर प्रदेश एवं पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए सर, जिस तरह से अभी जो सत्र में हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री जी द्वारा छात्र शिक्षक के अनुपात को 26-1 बताया है, आज शिक्षा मित्रों की स्थिति पिछले वर्षों से, आज 2 जून है और 2 जून की रोटी के लिए लगातार गुहार लगती रही है कि 11 महीने तो हम लोग खा लेते हैं, 12वें महीने में आखिर किसके घर जाएं। अब जैसे कि माननीय मंत्री जी ने कहा है कि 26-1 का अनुपात हमारे जो 1,47,766 शिक्षा मित्रों को जोड़ते हुए 26-1 का अनुपात है, जब आप हमें शिक्षक के समकक्ष मान रहे हैं तो हमारे इस समय उपस्थित MLC साहब अमरीश पटेल जी से जरूर कहना होगा, तब ऐसी स्थिति में क्या उनको शिक्षक की तरह सारी सुविधाएं नहीं दी जानी चाहिए जी। दूसरा चीज, अभी आदेश है कि 16 जून से विद्यालय खुलेंगे, 16 जून से विद्यालय खुलेंगे, शिक्षा मित्र अनुदेशक दोनों ही उसमें पहुंचेंगे, जो भी व्यवस्थाएं हैं उनको देख रहे हैं, विद्यालय से संबंधित जो भी कार्य है वो करेंगे, लेकिन अभी तक उनके मानदेय को लेकर आखिर उनको क्या दिया जाना है, जून में कुछ दिया जाना है नहीं, उसपे संदर्भ में कुछ नहीं है। ये पहले ऐसे संविदा कर्मी होंगे जो काम तो करेंगे लेकिन उनके लिए उनका मेहनताना मिलेगा या नहीं मिलेगा इसका कोई पता नहीं जी। ठीक बात है। विश्व यादव, विधानसभा का उत्तर, विधानसभा के पटल पर जो उत्तर रखा शासन ने वो आप लोगों ने भी देखा होगा, सरकार ने कह दिया ये तो जरूरत से ज्यादा बेहतर है अनुपात सर।